दसवें स्थान पे इस मैच से बाहर। सविता पीछे देख सकते जरूर है इनका, और इसी के साथ वो जो कहर है वो ढाते बड़े आसानी से रिवाइव कर दिया जाएंगे। बट एक्सो को आप देखें सामने मौजूद रहेंगे, बट एक बढ़िया ग्रेनेड आता हुआ क्लच गॉड का भी ज्यादा जरूरी रहेगा, लेकिन वो एंगल नहीं ले पा रहे। हालांकि अब पता चल चुका है क्लच गॉड का ही है, और यहीं पर गेम फिनिश होता नजर आएगा। INS फाइनली लेकर के जाती हुई एक बहुत बढ़िया विनर विनर चिकन डिनर। और आप खुशी वो जोकर के चेहरे पे देख सकते हैं जिस तरीके से उन्होंने वो तो कर, हाँ, जी गिल थोड़ा सा भूल गए थे, उन्होंने कहा चलिए सेलिब्रेशन अभी मना लेते हैं, बट जोकर वो जो खुशी है उनके चेहरे पे बनती भी है। और एक बार वापस से क्लच गॉड को हक करते हुए बताते हुए और जताते हुए कि चलिए आपने बहुत बढ़िया खेला टीम ने, एज अ उम्मीद करते रहेंगे कि इसी तरीके से अगर वो कंसिस्टेंट खेलते हैं तो आसानी से अपनी टीम को और ज्यादा आगे लेके जा सकते हैं। थोड़ी बहुत कॉन्वर्सेशन अभी भी देखिए इन खिलाड़ियों की आपस में चल रही है, क्या हुआ कैसे हुआ, ऑब्वियसली ये सब चीजें गेम के बाद प्रॉपरली चलता रहता है, लेकिन इनको ये पता है कि इन्होंने दिन के अंत में अपने लिए कुछ ना कुछ भला किया है, और अगर अंत भला होता है तो सब भला। रैंकिंग की तरफ भी और जानेंगे कि कौन सी टीम सबसे ऊपर, ओआर को नीचे कर पाना नामुमकिन रहा टीम एक्सो के लिए। पहले पायदान पे ओआर 80 करना चाहूंगा पंक का नाम भी, जिस प्रकार से पंक ने आज के दिन पे खेला है काबिले तारीफ प्रदर्शन, सेफ एरिया में रहने वाली है। चलेंगे सीधे हम बाकी की टीम्स की तरफ भी, क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर कि वो जो पॉइंट डिफरेंस है वो बहुत कम रहने वाला है। आप देखिए 16वें पायदान पे जो टीम थी उनके 17 अंक है, उसके बाद